हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंट्री एंड मिलिट्री कंपैरिजन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और रात गई बात गई, लेकिन एक बात आज तक नहीं गई कि इंडिया और पाकिस्तान में सबसे महान देश कौन सा है। मान लो कल को अगर ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक घमासान सा युद्ध छेड़ता है, तो कौन सा देश जीतेगा? किस देश के पास ज्यादा ताकत और मनोबल है? किस देश की टेक्नोलॉजी सबसे अव्वल है? और किस देश सबसे पावरफुल है? किस देश में रहना सबसे बेहतर है और इग्नोर करता है पाकिस्तान? पर हम, मेरे इंडियन और पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स, हम इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। दोनों देशों के लोग एड़ी छोटी एक करके अपने देश का झंडा ऊंचा करने में लगे हुए हैं, कोई कसरत नहीं छोड़ रहे। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि उसके खत्म होने का कोई नामो निशान ही नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा है क्या? और हमारा ये पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारा एक तरीके से सौतेला भाई है, और भाई भाई के बीच इसी कंपटीशन में 1947 में दोनों का बंटवारा भी कर दिया। 14th August 1947 में इंडिया का एक भाग जाके पाकिस्तान बन गया। और अब देखना ये है कि कौन सा सौतेला भाई ज्यादा सक्सेसफुल है, इंडिया हमारी भारत माता या पाकिस्तान हमारा सौतेला भाई? किस देश ने अपने बाप का नाम आखिरकार रोशन कर ही दिया? पाकिस्तान बोलेंगे, इंडियंस इंडियन बोलेंगे, बट आज गेट्स इट फ्लाई की अदालत में हम फैक्ट्स को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देंगे। आपके सामने हम पेश करेंगे ऐसे सबूत जो मिटा देगा गुरूर का वजूद। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस सेशन टाइटल्ड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपैरिजन। बंदे में एनर्जी है। अब भाइयों, कुछ ही महीने पहले मेरे एक विदेशी दोस्त ने मेरे से ये पूछा था कि जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही मिट्टी में पले बड़े हैं, तो 1947 के बाद जब दोनों देशों को आजादी मिली, तो तब से लेकर आज तक दोनों देशों की प्रगति और उन्नति में इतना डिफरेंस कैसे है? पॉइंट, राइट? आई मीन, आजादी से पहले दोनों इंडियंस और पाकिस्तानी ने एकजुट होकर एज एन इंडियन, एज अ भारतीय ही ब्रिटिशर्स का सामना किया, और फिर आजादी मिलते ही दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। पर फिर क्यों दोनों देश आज एक दूसरे से इतने अलग है? क्या रीजन है इस अंतर के पीछे? वेल, ये बात आज आप खुद जज करोगे। मैं आपके सामने सिर्फ सबूत रखूंगा और फैसला आपका खुद का होगा। किसी भी देश की असली पहचान उस देश के नागरिकों से होती है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सेक्युलरिज्म के नाम पे लोगों को दुनिया भर की आजादी मिलती है। भारत इतना कल्चरली डाइवर्स देश है कि इसकी तुलना आप किसी भी और देश के साथ नहीं कर सकते हो। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान एज अ थियोक्रेटिक नेशन बना था, और दूसरी तरफ एज यू नो इट, इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश था जिसका कॉन्स्टिट्यूशन किसी धर्म पे बेस नहीं था। और इसी वजह से इंडिया एज अ कंट्री इतना कल्चरली डाइवर्स होने के बाद भी सारे कल्चर्स और सारे रिलीजन्स के लोगों को प्यार से एक्सेप्ट करता है। फरमान ना बदला जाएगा, बदल जाए लाख जमाना, पर ईमान अब कुरान ना बदला। क्या दिवाली में अली है और रमजान में राम, चंद्रमा भी कभी ईद का चांद है या कभी शरद पूर्णिमा की शान? इंडिया में मैक्स टू मैक्स 19,500 डायलेक्ट्स यानी कि लैंग्वेजेस है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 300 डायलेक्ट्स है। एंड एज यू नो इट, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है और पाकिस्तान की उर्दू है। और जब बात ऑफिशियल एरिया की आती है, तो इंडिया पाकिस्तान से एटलीस्ट 5 times बड़ा है। और क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता है कि क्यों इन दोनों के ज्योग्राफिकल एरियाज में इतना बड़ा अंतर है? Well, इसका जवाब हमारे बंटवारे का असली रीजन है, जो कि रिलीजन है। भारत का बंटवारा एक्चुअली में 2 टुकड़ों में हुआ था, लेकिन पार्टीशन के दौरान 20% पॉपुलेशन तो मुस्लिम्स की थी, सो उनके कायदे से 20% लैंड मुस्लिम्स को मिलना था, और ये 20% लैंड उन्हें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के हिस्सों में मिला। लेकिन आप मे बी ये सोचो कि वेस्ट और ईस्ट क्यों मिला, दोनों अखा का अखा क्यों नहीं मिल गया? Well, जरा ये 1909 सन का मैप देखिए। डार्क रेड एरियाज हिंदू डोमिनेटेड रीजन्स को बताती है, और वहीं एकदम लाइट रेड एरियाज मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स को बताती है। और क्या इस मैप को देखकर आपको कुछ याद आता है? Well, वेस्ट साइड वाला रीजन और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान है, और राइट साइड वाला रीजन अपना बांग्लादेश है। रीजन का बंटवारा उसी रीजन के पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए हुआ था। जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम थे, उसी रीजन को पाकिस्तान का नाम दे दिया गया, एज यू कैन गेस इट, जिससे कि वो रीजन के लोगों को अपनी घर छोड़ के जाने की नौबत ना आ सके।
पर जब बंटवारा हुआ था तो 50% मुस्लिम्स ने तो इंडिया में ही रहने का फैसला कर दिया था और पाकिस्तान में से जितने भी हिंदूस थे उन्हें इंडिया भेज दिया गया। सो देखा जाए तो इस पार्टीशन से उनको ज्यादा घाटा नहीं हुआ बल्कि एक तरीके से एडवांटेज मिला, वहाँ के लोगों की जरूरत से उन्हें ज्यादा ही मिला। और मेरे पर्सनल हम्बल ओपिनियन में दोनों देशों के लोगों को, हिंदूस को और मुस्लिम्स को, इस पार्टीशन की वजह से बहुत ही पीड़ा उठानी पड़ी थी। लोगों के घर उजड़ गए थे और वहीं रायट से तो इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई। अब पार्टीशन के बाद दोनों देश अपनी अपनी आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराओं के बल पे अपने अपने देश के डेवलपमेंट में लग गए। दोनों देश की मिलिट्रीज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड है और दोनों न्यूक्लियर पावर्स भी है। पर पहला सवाल ये आता है कि ये दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, ज्यादा ताकतवर मिलिट्री किसकी है? और ये सवाल का जवाब हम टेक्निकली भी देंगे दोनों के मिलिट्री कंपैरिजन करके। बट उससे पहले 1947 से लेकर आज तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों सौतेले भाइयों के बीच में 4 वॉर्स हो चुके हैं और चारों बार ऑफिशियली या तो अनऑफिशियली जीत इंडिया की हुई है। Which makes sense, right? क्योंकि इंडिया की मिलिट्री ऑन पेपर पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर दिखाई देती है। बट वेपन्स और स्पेसिफिकेशन से हटके एक और एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो है पॉलिटिकल कनेक्शंस। अब इंडिया में ही लोगों का एग्जांपल ले लो यार, अगर कोई एक सामान्य साधारण इंसान अगर कोई क्राइम करता है तो सीधा जेल जाता है और वहीं अगर कोई सेलिब्रिटी क्राइम करता है तो तुरंत बेल मिल के जेल जाएगा भी। तो यहाँ पर कैसे कनेक्शन काम में आया? बिल्कुल उसी तरह जो कम पावरफुल नेशंस होते हैं उन्हें भी ज्यादा पावरफुल नेशंस के साथ दोस्ती हमेशा फायदे में रखती है। और पूरे दुनिया का भाई यानी सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? यूएसए, राइट? जिसके हाथ में यूएसए का हाथ हो समझो पूरी संसार उसके साथ हो। लेकिन अर्ली 2000s में यूएसए और पाकिस्तान की नई नई दोस्ती ने इंडिया को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया था और यह आइसोलेशन एक तरीके से इंडिया को बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि यूएसए कभी खाली हाथ नहीं आता है, उसके साथ आते हैं बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जो अगर गलती से भी गलत हाथों में पड़ गए तो समझ लो दुनिया का विनाश बहुत नजदीक। लेकिन पाकिस्तान और यूएसए के बीच में ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं टिकी क्योंकि यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ ही दिनों में ये समझ लिया कि पाकिस्तान कुछ तो छुपा रहा है। पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स दरअसल यूएसए के पीठ पीछे तालिबान फोर्सेस को अफगानिस्तान में ना केवल सिर्फ शेल्टर दे रहे थे पर साथ ही साथ उन्हें अमेरिकन स्ट्राइक से भी बचा रहे थे, उन्हें इन्फॉर्मेशन देके। मतलब एक तरह से उन ऑफिशियल्स की क्या डेयरिंग थी, वो भी अमेरिका के सामने। और इसी वजह से अमेरिका ने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर पाकिस्तान से रूट कर वो इंडिया की ओर मुड़ा और एक तरह से अपने पड़ोसी और मेहमान की फेल्ड पार्टनरशिप इंडिया के लिए एक बड़ी एडवांटेज बन गई। और इस तरह दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक साथ एकजुट हो गई। सो इससे हमें यह पता चलता है कि यूएसए भाई आज इंडिया के साथ है। लेकिन क्या इंडिया को यूएसए भाई की जरूरत पड़ती है अगर पाकिस्तान और इंडिया में कभी वॉर होता है? वंस अगेन ऐसा होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, आई नो, बट जस्ट वी आर डूइंग अ थॉट एक्सपेरिमेंट। इंडियन मिलिट्री के पास पूरे 14,44,000 पर्सनल्स है और वही पाकिस्तान के पास उसका लगभग आधा 6,54,000 पर्सनल्स है। और जब बात उन दोनों देशों की रिजर्वेस पूल की आती है यानी वो मिलिट्री मैन जो हमेशा 24/7 एक्टिव ड्यूटी पर रहना चाहते हैं और जब भी इमरजेंसी वॉर लाइक सिचुएशन आ धमकती है तो वो भी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वेल, इंडिया के पास 21 लाख रिजर्विस्ट्स हैं और पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्विस्ट्स हैं। अब आंकड़ों में तो क्लियरली दिख रहा है इंडिया जीत रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम आती है और वो है कि ज्यादा बड़ा रिजर्विस्ट पूल होने की वजह से उनको बुलाने में, उन्हें इक्विप करने में और एक्शन लेने में वक्त ज्यादा लगता है। और जैसे आपको पता है इमरजेंसी सिचुएशन में टाइम का कितना महत्व होता है, एक एक पल पीछे चलना इंडिया को भी भारी पड़ सकता है। अब इसके अलावा किसी भी देश के मिलिट्री के लिए डिफेंस बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो कंट्री की मिलिट्री पावर को आगे पुश करने में योगदान देती है और इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान से एटलीस्ट 6 times ज्यादा है। जहां इंडिया का डिफेंस बजट है लगभग $61 billion यानी 61,000 crore रुपीस, वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट है सिर्फ $11 billion यानी 1,100 crore रुपीस। और इस
बजट डिफरेंस की वजह से इंडियन मिलिट्री ज्यादा मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट को खरीद पाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी मिलिट्री। इनफैक्ट आसमान में भी इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स से ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि इंडिया के पास 2,123 एयरक्राफ्ट्स है और वहीं पर पाकिस्तान के पास 1,372 एयरक्राफ्ट्स है। पर इंडिया को सबसे पावरफुल उसकी रशियन फाइटर फ्लीट सुखोई SU-30 S-260 बनाती है जो आसानी से पाकिस्तान के F-16s को ओवरपावर कर सकता है। और इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द F-16s चाइनीज मेड है और वो काफी आउटडेटेड भी हो गए हैं। और चाइनीज माल को अगर आप कंपेयर करोगे रशियन माल के साथ, आई डोंट थिंक सो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। कौन सा माल F-16 मुझे लगता है लॉकहीड मार्टिन की है और वो अमेरिकन नेवी के कंपैरिजन में भी इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ और पावर पाकिस्तानी नेवी से ज्यादा ही। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स को पोजेस करते हैं पर इससे एक कदम आगे जाके इंडिया ने अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बनाया है। एंड इंडिया आल्सो पोजेसेस एंटी सैटेलाइट वेपन्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इंडिया ने खुद के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी डेवलप किया है जिसे नाविक या नाविक कहा जाता है। तो जहां पे एक तरफ इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हासिल कर लिया है उसी तरह पाकिस्तान ने इतने सालों में बहुत कम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल की। सो अब ऑन पेपर हमें ये पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में मोस्टली कौन जीत सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये लड़ाई कभी होगी नहीं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में जैसे आप देख सकते हो इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो रात होते ही यहाँ पर 150,000 फ्लड लाइट्स इस पूरे एरिया को जगमगा उठते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस ऑफ कोर्स, लेकिन ये फ्लड लाइट्स को और ये लाइन को आप स्पेस से भी देख सकते हो। अब फ्रेंड्स 1947 से लेकर अब तक इंडिया और पाकिस्तान के जीडीपी में इतने ऊंच नीच हुए हैं जिसे दोनों देशों की इकोनॉमीज जैसे बंद पड़ गई हो। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी दोनों देशों में हाई था और जहाँ एक तरफ इंदिरा गांधी ने इंडिया में गरीबी हटाओ का नारा दिया वहीं पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। उनके पॉलिसीज ने फॉरेन रिजर्व्स और एंटरप्रेन्योरशिप को रिजेक्ट करके पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम करने के बजाय उसे ज्यादा बढ़ा दिया और फिर झक मार के दोनों देशों को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने फाइनेंशियल एड के लिए हाथ फैलाना पड़ा। पाकिस्तान साल 1988 में IMF के पास फंड मांगने गया और वहीं पर उसके 3 साल बाद 1991 में इंडिया फंड मांगने गया, लेकिन पाकिस्तान ने 1988 से लेके आज तक 12 बार पैसे उधार लिए और IMF के आ जाने से दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक गैप कम होने के बजाय तेजी से बढ़ने लग गया। इंडिया ने बड़ी चालाकी से 1991 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से देश का नक्शा ही बदल डाला और इसी बदलाव ने इंडिया को आज पाकिस्तान के इकोनॉमी कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा आगे कर दिया। इंडिया फॉरेन रिजर्व रैंक्ड 8th इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2018 विद $405.8 बिलियन और उसी साल पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $15.682 बिलियन रहा। और तो और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल GDP वैल्यू और 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है विद PPP यानी कि परचेसिंग पावर पेरिटी। और वहीं पर पाकिस्तान वर्ल्ड की 42nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल GDP वैल्यू एंड 25th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पेरिटी। और इंडिया के लिए 2015 से लेके 2018 के बीच इंडिया को वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा भी दिया गया। तो बात अगर इकोनॉमी की हो, मिलिट्री की हो या इवन टेक्नोलॉजी की हो तो आंकड़े हम सबके सामने थे, लेकिन फ्रेंड्स जिन देश ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया वही देश प्रगति की सीढ़ी जल्दी चढ़ पाए। और ये कंपैरिजन तो सिर्फ आज के डेटा के अनुसार है, आगे दोनों के दोनों देश में वो पोटेंशियल है कि दोनों सुपर पावर्स बन सकते हैं। देश के विकास के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? सही पॉलिसी, सही डिसीजन, सही डेवलपमेंट, सही नागरिक और सबसे इम्पोर्टेंट सही केपेबल और ट्रस्टवर्दी और कमिटेड लीडर्स की। और फ्रेंड्स हम सब में वो ताकत है कि हम अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं। सो एक तरह से देश का भविष्य हमारे हाथों में है। With that said, thanks a lot for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल के सिर्फ फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी फैक्ट बेस्ड और फन बेस्ड वीडियो को। बड़ी मज़े की वीडियो बनाई थी जिस तरह से उन्होंने कंपेयर किया। मुझे ये लगता है कि मिलिट्री को छोड़ के हमें दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान आजकल कर भी रहे हैं, जैसे कि लिटरेसी हो गई और जो है पॉवर्टी रेट है जो कि दोनों मुल्कों में है,
तो मैं चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो मुल्क से जो पॉवर्टी रेट है वो ख़त्म हो, और जो हमारी जो दोस्ती है जैसे 1947 से पहले थी, कि हमारा मिशन ये नहीं था कि हमें अलग मुल्क चाहिए, हमारा मिशन ये था कि हम कैसे ब्रिटिश से यानी कि जान छुड़ा लें। क्योंकि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पर था तो उस वक्त पाकिस्तानी भी उससे बेजार थे और इंडिया भी उससे बेजार था, दोनों ही शहर आपस में मिलके वो ये चाहते थे कि इस तरह से अलग हो जाएं और जो है ना ब्रिटिश से अलग हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का रिएक्शन अच्छा। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते कंपैरिजन। तो हम दो कंट्रीज़ की मतलब मिलिट्री के हवाले से करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब मिलिट्री के हवाले से इस वजह से नहीं करनी चाहिए क्योंकि वी नेवर वांट वॉर विद एनीवन। मतलब वॉर एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक बंदा जितना भी ताकतवर नुकसान उठाना पड़ता है, मतलब हर किसी को उठाना पड़ता है, चाहे मतलब अमेरिका आजकल का जो सुपर पावर बना पड़ता है वो भी मतलब अगर किसी से मतलब इस तरह सामने लड़ाई करता है तो उसको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका एक एग्जांपल मतलब अफगानिस्तान में हम देख सकते हैं। तो मतलब लड़ाई की तरफ हम बिल्कुल फिर अपने पड़ोसी के साथ जिसके साथ हम एक टाइम पर मतलब मिले थे ब्रिटिश को कॉलोनाइजर्स को भगाने में हम एकजुट हुए थे, अभी उन मतलब आपस में लड़ने के लड़ेंगे तो मतलब फ़ायदा दूसरे ममालिक को होगा, जो बाहर से ममालिक है वो फिर हमें कमज़ोर करके हम एक दूसरे को कमज़ोर करके वो फिर से हम पर आ सकते हैं, कॉलोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बेहतरी यही में हमारे बेहतरी में होगा कि हम मतलब एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहे और आपस में प्यार बांटे, बजाय कि हम एक दूसरे को मतलब अभी खुद ही देखो इंडिया में जितने पैसे मिलिट्री इक्विपमेंट पर खर्च हो रहे हैं और पाकिस्तान में जिस पैसे मिलिट्री इक्विपमेंट पे खर्च हो रहे, अगर ये लोगों की पढ़ाई और वेलफेयर के लिए खर्च हो तो आप खुद देख सकते हो दोनों कंट्रियाँ जो है वो यूरोप के स्टैंडर्ड से भी ऊपर चली जाएंगी मुझे लगता है। और फोकस हमारा ज़्यादातर इसमें होता है कि मतलब हम मिलिट्री को मतलब स्ट्रॉन्ग करें, सिर्फ इसी वजह से कि हम एक दूसरे से मतलब कॉन्फ्लिक्ट में ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की आवाम जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल नफरत नहीं करती, वो आपस में मोहब्बत रखती है। लेकिन ये कुछ पॉलिटिकल वो इश्यूज़ होते हैं जिनको हमें खुद ही मतलब ऐसे लीडर चूज़ करने चाहिए जो आपस में प्यार बांटे ना, ये चीज़ को ख़त्म करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। बिल्कुल सैफ ने जिस तरह सैफ ने कहा था इसी तरह है। और ये मैं कहता हूँ ये सब कुछ ये डिसीजन मेकिंग तो लीडर्स के ही पास होता है और लीडर्स ही डिसाइड करते हैं कि मिसाल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हर चीज़। तो हमारे लीडर्स ही इस तरह है कि मिसाल जो चाहते हैं कि वॉर हो, और अगर हम जैसे कि इन्होंने कहा कि जितना बजट है लोग उसमें देते, अगर ये लोग पॉवर्टी उसमें दे दे तो पॉवर्टी बिल्कुल ख़ात्मा ही हो जाए, क्योंकि यहाँ लिटरेसी रेट कम है, यहाँ गरीबी इतनी ज़्यादा है, यहाँ हर चीज़ हर लिहाज से देखा जाए। तो हमें क्या चाहिए कि मिसाल हम अपनी तरक्की करें टेक्नोलॉजीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करें जैसे बाकी कंट्रीज़ कर रहे हैं। बाकी चाहे अब अमेरिका को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं, अमेरिका हमें लड़वा के खुद आगे निकल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम इन चीज़ों में ना के बजट ज़ाया करें, बल्कि ये उस आवाम की ज़रूरत है, क्योंकि आवाम ही टेक्नोलॉजीज़ और लिटरेसी और पढ़ाई एजुकेशन पर लगाए ताकि वो हम आगे बढ़ सकें। और चूँकि ये लोग चाहते हैं कि एक दूसरे में नफरत फैला सके और एक दूसरे को हम लोग नीचा दिखाएँ, और इसी तरह ये इनका भी वो सियासत भी होता रहेगा और दोनों कंट्रीज़ के बीच में इसी तरह के इख्तलाफात रहेंगे। तो हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि ये इख्तलाफात ख़त्म हो और फिर से हम लोग उसी दौर में आए जब एक दूसरे से हम लोग प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे। तो हम सब चाहते हैं कि इसी तरह हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आई होप आज की वीडियो काफ़ी अलग थी हम लोगों के लिए भी। तो अगर इस तरह की वीडियोज़ पर आप रिएक्शन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो को आपको फिर आपको बाखबर रहना पड़ेगा, पहले से पता चल जाएगा कि मिसाल कौन सी वीडियो आ रही है। तो कमेंट से अपनी राय का इजाज़ ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।